So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh and today I'm just going to share the same quiz series, that is quiz 3. Now okay, so very soon we will start the questions of quiz number 3. But before I just go to this, I want to congratulate all those who has given me the answer of the quiz number 2. There I have asked that which bank provides the financial aid to the environmental program. So there I have given you many options. Some of you have given me the Reserve Bank, but the very first person who has answered immediately, that is T.S. Bhanu from Hyderabad, that is World Bank. Congratulations, Mr. Bhanu. And also congratulations to all those who has given the answer. World Bank is the bank who gives the financial assistance to the environmental program. Now let's begin our today's quiz number 3, and the question number 1 is, how many eggs does a peahen lay at one time? Peahen, morni. यानी एक समय में मोरनी कितने अंडे देती है? Your time starts now. And the answer is mostly 5, but some of the peahens lays 4 to 8 eggs, but maximum they give 5 eggs at a time. 5 ande ek bar deti hai. Now coming to the question number 2. Camels are of 2 kinds. Oont 2 kisam ke hote hai. Those with 1 hump are called Arabian. And the others have 2 humps, what are they known as? जिनके ऊँट में जो कुबड़ होता है एक होता है उसको कहते हैं अरेबियन, और कुछ ऊँटों में 2 होते हैं तो उन ऊँटों को स्पेशली क्या कहते हैं? And your time starts now. And the answer is Bactrian. इनको कुछ लोग मंगोलियन कैमल के नाम से भी जाना जाता है, जिनके 2 humps होते हैं. Now come to question number 3. Who was the first woman governor in independent India? सबसे पहली महिला गवर्नर, जो भारत देश आज़ाद के बाद सबसे पहली महिला गवर्नर कौन थी? And your time starts now. And she is none other than Mrs. Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was the first governor of independent India. Now coming to the next question. What is the child marriage law known as? Bal Vivaha jo kanun tha, us kanun ka jo act tha, uska kya naam tha? And your time starts now. And the answer is Sharda Act.
ये पास हुआ था 1929 में। इसके पहले बाल विवाह होती थी, लेकिन इस एक्ट के तहत इलेक्ट्रोक्टिव कानून बना दिए कि शादी की उम्र लड़का के लिए 21 साल दैट इज 21 ईयर्स, एंड लड़कियों के लिए 18 ईयर्स। तो इस एक्ट का जो था चाइल्ड मैरिज एक्ट का नाम था शारदा एक्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया। साल में एक ऐसा दिन आता है जहाँ लगभग मोर देन 12 घंटा का तो दिन होता है, बट ये 12 घंटे से भी ज़्यादा, लगभग 13-13.5 घंटा का एक दिन होता है, साल में एक बार आता है। और कौन सा दिन है जो सबसे, साल में कौन सा दिन है जो सबसे लंबा दिन, लॉन्गेस्ट डे होता है, एंड यू हैव टू से द डेट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And that is 21st June, ये सबसे लंबा दिन होता है जो लगभग 13 घंटा से भी ज़्यादा दिन उजाले में होता है। Now, which place in India is known for its diamond mines, हीरों का खदान हमारे इंडिया में कहाँ पर है? And your time starts now. एंड आंसर इज पन्ना, पन्ना इन मध्य प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स में, व्हाट इज मेंट बाय टाइम आउट इन क्रिकेट। क्रिकेट में कई तरह से आउट होते हैं, बट ये भी एक तरीका है, इसको कहते हैं टाइम आउट। क्या है, किस नियम के तहत वो बैट्समैन टाइम आउट के तहत आउट हो जाता है, और ये आपका टाइम स्टार्ट। ऑडियो जंगल। और ये आंसर है, जब एक बैट्समैन आउट हो जाता है, जब दूसरा बैट्समैन आता है फील्ड में, अगर आने में देरी करता है, मोर देन 2 मिनट्स लगाता है, और क्रीज में बैट पकड़ के 3 मिनट के अंदर अगर वो रेडी नहीं रहता है, तो उस खिलाड़ी को, जो आने वाले खिलाड़ी को ही टाइम आउट कह देते हैं। खैर बाद में इसमें थोड़ा सा रूल चेंज हुआ, रूल चेंज हो करके क्या हुआ, अगर मान लीजिए आने वाला खिलाड़ी बहुत ही माहिर है, वन मैन शो जैसे हमारे ग्रेट प्लेयर्स है, ग्रेट बैट्समैन है, उनमें आने में थोड़ी सी अगर दिक्कत हो जाती है और टाइम आउट के तहत उनको अगर आउट कर दिया जाता है, तब बाद में इन्होंने कुछ सालों बाद इसको रूल चेंज कर दिया, वहाँ पर हम उस व्यक्ति को आउट ना करके, जो व्यक्ति खेल नहीं पाता है, केवल बॉलर है, बैटिंग नहीं कर पाता, उसको हम आउट करार कर सकते हैं, यानी किसी और डल प्लेयर को हम आउट करार कर सकते हैं उनके तहत। ये बाद में चेंज हुआ, बट टाइम आउट के तहत ये भी एक नियम होता है, क्रिकेट में खिलाड़ी बगैर क्रीज में आए वो आउट हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम आउट, ज़रा सा अगर देरी करता है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first Indian woman to act in Indian movies as a heroine? पहले लड़कियां बहुत जल्दी फिल्मों में काम नहीं करती थी, बाहर आती ही नहीं थी, तो फिल्म में लड़की की ज़रूरत होती थी। जब किसी लड़का को ही जो ऐसा सुंदर दिखता हो, लड़की में भी जचता हो, उसे एज ए कॉस्ट्यूम्स, लेडीज कॉस्ट्यूम्स बना करके उसे हीरोइन के रूप में ले आया जाता था। लेकिन अब ओरिजिनली हमारे इंडियन सिनेमा में कौन पहली महिला थी एज ए हीरोइन
फिल्म में पर्दे में रोल करना शुरू किए और यह भी आपका समय शुरू होता है अब। ऐसे कमला के नाम से जानते हैं, बट इसका ओरिजिनल नाम था दुर्गाबाई कामत। दुर्गाबाई कामत वॉज द फर्स्ट लेडी हीरोइन इन द इंडियन सिनेमा। इसका पहला एज ए हीरोइन फिल्म था भस्मासुर मोहिनी, जो 1913 में हुआ था फिल्म भस्मासुर मोहिनी। इस हीरोइन एज ए हीरोइन इसका फर्स्ट फिल्म था। क्वेश्चन नंबर 9 एनवायरनमेंट पर है। विच वॉज द फर्स्ट जू टू डिस्प्ले एनिमल्स टू द पब्लिक। पहले जू नहीं हुआ करते थे, आज हर जगह जू है जहाँ पे बच्चे लोग बड़े लोग वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उनको हम देख सकते हैं। वो पिंजरे में रहते थे, हम लोग जा कर के देख सकते थे। वैसे ही आइडिया जब भी हो, सबसे पहला ऐसा जू कौन सा था वर्ल्ड में जहाँ पे पब्लिक लोगों के लिए वाइल्ड एनिमल्स को पिंजरे में बंद करके दिखाया जाता था। पहला जू वर्ल्ड में कौन सा है? एंड आंसर इज लंडन जू, जो 1853 में स्टार्ट हुआ था, दैट इज लंडन जू। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन एज इट इज। हम इसके चार ऑप्शंस देंगे एंड आपको इसका आंसर देना है। ऑन विच रिवर इज द भाकरा नांगल डैम कंस्ट्रक्टेड। किस नदी के ऊपर भाकरा नांगल डैम सिचुएटेड है? और इसके ऑप्शन है, नंबर ए में सतलज, बी गोदावरी, सी नर्मदा एंड डी गोमती। ये चार ऑप्शंस है, यू हैव टू गिव मी द राइट आंसर। What is the answer for this? On which river is the Bhakra Nangal Dam constructed? So give me the answer in your comment box. And thank you very much for all those for watching this quiz time regularly. Once again, I just congratulate to all those who have given me the correct answer of my previous quiz, that is, which bank provides the financial assistance, that is World Bank. And my heartiest congratulations to all those who has commented me the right answer, and especially T.S. Bhanu, who was the first person who has given me the right answer. So we will meet you in another quiz with some more questions. Till then, goodbye.